हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निकीज किचन। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटका मलाई कुल्फी। वैसे तो ये आपने बाहर खाई होगी, बट ये रेसिपी देखने के बाद अब आपकी ये फेवरेट हो जाएगी एंड आप इसे घर पे ही एंजॉय कर पाएंगे। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। सो देखिए, मैं आधा लीटर दूध को अच्छी तरह पहले गर्म कर लूंगी। आपको मैक्सिमम कुल्फी बनाने में ये होता होगा प्रॉब्लम कि कहीं कहीं कोई आइसक्रीम में बर्फ जम जाती है, बट ये रेसिपी देखने के बाद आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से गरम कर लेती हूँ, एक बॉईल आने देती हूँ। सो देखिए, एक जो बॉईल है वो आ चुका है। मैं इसकी फ्लेम लो कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कप शुगर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने चाय के कप से मेजरमेंट लिया है, तो एक कप मैंने ऐड कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह स्टर कर लेती हूँ। शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, एंड कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच कम भी कर सकते हैं। सो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अच्छी तरह इसे चलाकर घोल रही हूँ ताकि जो हमारी शक्कर है वो अच्छे से घुल जाएगी। दूध हमारा अच्छी तरीके से गर्म है। अब मैं यहाँ पर 3 स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि आप मिल्क पाउडर स्किप ना करें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे वही जो मटका मलाई कुल्फी है वैसी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बन तो जाएगी बट आपको वैसा टेस्ट नहीं आएगा, तो सो मिल्क पाउडर आप ज़रूर डालें। ये मैंने नॉर्मल मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो बेबी मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट आप जब वो ऐड करेंगे तो उसमें शुगर की क्वांटिटी ऑलरेडी होती है, तो आप जो एडिशनल शुगर ऐड करेंगे तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। सो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे अच्छे से चला चला के इसे पका रही हूँ। सो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कस्टर्ड जो है वो दूध में घोल कर रखा था, ताकि इसमें मैंने इसलिए घोल लिया था इसमें जो लम्स से गुटलियाँ बन जाती है वो ना बने। सो देखिए, मैंने ये दूध में ऐड कर दिया है। अगेन मैं इसको स्टर कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए एंड ये धीरे धीरे करके गाढ़ा भी होता जाए। सो देखिए, मेरा थोड़ा सा स्पून में लग गया था कस्टर्ड, तो मैं उसे अगेन बॉइल्ड जो दूध है उसमें डाल के उसको स्टर कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। सो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने 3-4 काजू लिए थे, 3-4 बादाम को बारीक काट लिया था एंड मैंने इसमें दूध में डाल दिया है एंड मैं अगेन इसको स्टर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। केसर के धागे आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप चाहें तो डाल दें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सो देखिए, अब मैं यहाँ पर 1/2 कप मलाई ले रही हूँ जो कि मैंने यही दूध में से निकाली थी। आप मलाई स्किप ना करें, क्योंकि हम जब मटका मलाई कुल्फी ही बना रहे हैं तो मलाई स्किप कर देंगे तो फिर मलाई वाला टेस्ट कहाँ से आएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखिए, अगेन मैं इसको अच्छी तरह स्टर कर रही हूँ। हम इसको जब तक पकाएंगे तब तक हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा कम नहीं हो जाता एंड इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको गर्म किया है। सो देखिए, मैं कंटिन्यू इसे बॉइल कर रही हूँ एंड देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इसको मुझे पकाने में लगभग 8 से 10 मिनट लगे थे। मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया था। सो देखिए, मैंने इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा भी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। ध्यान रखिए कि आप तभी इसको जमाएं जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठंडा हो जाए। सो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 आर्टिफिशियल कुल्लड़ ले लिए हैं। आप इसको मटका भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर मिट्टी वाला नहीं है, अगर आपके पास मिट्टी वाला हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा। सो देखिए, मैं इसमें जो मैंने मिल्क बना के रखा था वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। सो देखिए, मैंने इसको फिल कर लिया है दोनों कुल्हड़ को।
अब मैं इसको कुछ ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर दूंगी। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू बादाम डाले हैं क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। सो देखिए ये मैंने डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने केसर के धागे डाल दिए थे। अब मैं इसको कवर करूँगी। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, एक रबर लिया है, ताकि इसमें जो है वो एयर जाए ना एंड इसमें बर्फ़ ना जमे। तो ये आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगी और मैं बोलती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। जैसे आप मार्केट में खाते हैं उससे कहीं गुना बहुत ज़्यादा अच्छा इसका आपको टेस्ट मिलेगा। सो देखिए कितनी आसान रेसिपी है। मैंने इसको दोनों को कवर करके रख दिया है। अब मैं इसको लगभग 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज कर लूँगी ताकि अच्छी तरह जम जाए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं 6 घंटे बाद इसे खोल के देख रही हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से जम गई है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी दिख रही है एंड टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। सो देखिए ये मैंने आपको निकाल के बताया है, जो हमारी मटका मलाई कुल्फी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। सो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। शुक्रिया।